बीच की हसीन शाम, लजीज खाना और ये आतिशबाजी, आ हा हा, वाटरफॉल यानी नेचर का ऑर्केस्ट्रा, माइंड ब्लोइंग। मौसम भले ही हसीन हो मगर ये लहरें बहुत डरावनी होती जा रही है गाइस, इट्स गेटिंग डेंजरस नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पल्टन। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं नागार्जुन सागर, और आप कहाँ हम स्टे कर रहे हैं और ये लोकेशन देख के आपका बस आप एकदम हैप्नोटाइज हो गए होंगे कि ऐसे जगह पे आपको भी जानी है, तो ज़रूर जाइए। बट पहले ये वीडियो देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कैसे जाना है और कितना मज़े करना है, कैसे कैसे आप मज़ा कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बस फॉलो करिए हमें, हम कैसे एंजॉय करते हैं आप भी वैसे एंजॉय कर सकते हैं गाइस। और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आपको दूर दूर दिख रही है, हम सब जगह जाकर आपको बताएंगे बहुत नज़दीकी से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। चलिए होपफुली आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ढिकचिक। चलिए देन, दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग एंड दिस इज वेयर वी आर हेडिंग। बाय बाय। तो गाइस, हम हरिता विजय विहार होटल में रहने वाले हैं। एक रिसोर्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट का, तो यहाँ आप रुक सकते हैं नागार्जुन सागर में। नागार्जुन सागर हैदराबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छी रिसोर्ट, यहाँ पर जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, क्या कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ के रूम्स भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्पेशियस रूम्स है, बैल्कनी वगैरह है, व्यू बहुत शानदार नागार्जुन सागर का। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यू मस्ट कम हियर एंड स्टे हियर। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं क्रूज़ पे। जी हाँ, नागार्जुन सागर की बोटिंग स्पॉट। 100 रुपये में आप यहाँ टिकट ले सकते हैं और आधे घंटे का फ़न रहेगा ये नागार्जुन सागर रिजर्वायर में। और ये देखिए रफ़ी भाई, ओके। तो पूरी पलटन पीछे आती हुई, साथ में चलते हैं और साथ में मज़े करते हैं। गाइस, वी एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन हियर। यहाँ पर रफ़ी भाई ने रिजेक्ट कर दिया ये बोट, कि ये छोटा है तो ये बोट रिप्लेस कर रहे हैं। बेसिकली दे आर गेटिंग अ बिगर बोट, द बिगर एंड द बेटर बोट। सी दैट रफ़ी भाई, सर आपके रिक्वेस्ट पे फाइनली एक नई बोट आ रही है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? फीलिंग ग्रेट। फीलिंग ग्रेट, ओह सही टाइम चल रहा है। अच्छे दिन आ गए, अच्छा समय। तो बेसिकली ये वाली बोट रिप्लेस हो रही है, ये जा रही है और हमारे लिए आएगी एक दमदार सी क्रूज डबल डेकर, ठीक है। तो इसको अलविदा कहते हैं और हमारे लिए आएगी वो वाली शिप। चलिए, तो हमारी टाइटैनिक हमारे सामने खड़ी है और आपको बेस्ट सीट पे बैठ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। चलिए, लेट्स गो इन नाउ। तो दोस्तों, इस टाइटैनिक के लियोनार्डो डिकैप्रियो हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये रंग बिरंगे कपड़ों में बोर्ड करते हुए इंडस्ट्रियल विजिट पर आए हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि सिविल इंजीनियर्स हैं और ये डैम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज हमारे साथ यही है, ये इनके साथ हम आनंद लेंगे इस क्रूज़ का। और सीट की पेटियाँ खोली रखिए, तभी तो आप मज़ा कर पाएंगे। चलिए, तो डीप ब्लू वाटर्स ऑफ कृष्णा रिजर्वर आपको डेफिनेटली रोमांचित कर रही होगी और बहुत मज़ा आया आपको।
तो गाइस हम कहाँ आए हैं जानते हो आप? ये देखिए बैकग्राउंड, हम कहाँ आए हैं। वी हैव कम टू अ प्लेस कॉल्ड एथीपोतला वाटरफॉल विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम नागार्जुन सागर। इट्स अराउंड 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नागार्जुन सागर डैम। तो बहुत ही मज़ेदार जगह है ये और आपको यहाँ पर और बहुत मज़ा आएगा। मीनवाइल आप देखिए ये घाट सेक्शन, एकदम घाट घाट का बेसिकली पानी पीने आए हैं हम, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी हमने बाय द वे एक सोडा पिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस सोडा, सुगंधी सोडा, सुगंधा है इसका नाम, सुगंधा, उसका नाम सुगंधा है और मज़ा आया। फेमस है यहाँ का, फेमस है वो। तो देखिए गाइस तेलंगाना में तो हम फेमस हैं और आंध्रा में जब आते हैं तो यहाँ का फेमस चीज़ ट्राई करेंगे। तो अब बारी आती है मच अवेटेड, मंत्रमुग्ध करने वाली वाटरफॉल की। Guys, we've come to this Athipotla waterfall now. Finally, a waterfall where water has not already fallen. Something to watch out for. See, guys, we're gonna have a lot of fun here. ये देखिए दोस्तों, यहाँ पेडल पल्टन की लहर है क्वाइट लिटरली, और अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो इस लहर को सुनामी बनने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। और दोस्तों होटल में चेक इन करने से पहले ही हमने सोचा कि आपको कुछ ज़बरदस्त झलकियाँ दिखाई जाए ताकि आपको पता चले कि क्या है आपके स्टोर में। As I said, you are in for a lot of fun. Already बीच पे पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं बीच व्यू। तो फिलहाल इन झलकियों का आनंद उठाइए और बस इंतज़ार करिए बहुत फन वाले पार्ट का और बहुत ही धमाकेदार वीडियो का। जी हाँ, दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग, सी ब्रीज रिसॉर्ट SB। वो रहा रिसेप्शन, लेट्स गो एंड चेक इन। मदर डक एंड बेबी डक, यहाँ डक्स की आवाज़ सुन के मन खुश हो जाता है। वे टू होटल रूम, चलिए आपको होटल रूम की तरफ लिए चलते हैं। और ये नज़ारे, ये रास्ते, ये हरियाली और ये रास्ता, बस मज़ा आ जाता है। और क्या चाहिए आपको, बस दिन बन जाता है। सी ब्रीज की हरियाली और नेचर की गोद आपको झूलने पे मजबूर कर देती है। तो सी ब्रीज का ये वाला हिस्सा भी काफ़ी ग्रीन, काफ़ी ब्यूटीफुल है, यहाँ लोग शूट वगैरह करने के लिए आते हैं। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं दोस्तों उस तरफ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए प्रकृति की गोद में कौन झूलना नहीं चाहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए एक बार फिर झूलते हैं बड़े स्विंग में, लेट्स गो नाउ। बड़ी सारी एक्टिविटीज करनी है, उतना टाइम नहीं है। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। वाह सुनील बाबू, नया घर। जी नहीं, वो वाला नहीं है, ये रिजॉर्ट का एक और हिस्सा। देखिए काफ़ी रेस्ट करने की जगह बनाई हुई है, आप आए यहाँ रेस्ट करें, फोटोग्राफी करें। एक और ज़बरदस्त जगह है, जी हाँ पूल, स्विमिंग पूल, बीच साइड स्विमिंग पूल का मज़ा ही कुछ और है। चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं, होपफुली आपको आनंद ही आनंद आ रहा होगा देख के ये सब। गाइस इस टाइम या बैकग्राउंड देखिए, इट्स टाइम टू हैव फन। हम वहाँ नहाएंगे और यहाँ भी नहाएंगे, डीप ब्लू वाटर्स एंड जस्ट ब्लू वाटर्स, दोनों का मजा आपके लिए। एंड वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस। हम अभी पूल में जाने वाले हैं, जाओ ना। We are in for some fun in the pool. और ये देखिए ये स्विमिंग स्टाइल देखिए धवन की, एकदम ज़बरदस्त, ये तो कभी थकेगा ही नहीं यार ये तो। चलिए बहरहाल और मज़े लेते हैं, ये देख रहे हैं आप, effortless, absolutely gorgeous. He is in for some medals, हाँ। Floating competition, देखते हैं कौन जीतता है और कौन पानी पानी होता है। Okay?
अगर यहाँ बैट बॉल है तो हम यहाँ खेलेंगे। अभी देखिए आप, ये देखिए शोएब अख्तर और सचिन की कंपटीशन आज देखने को मिलेगी आपको। आंखों में अंगारे लिए ये गेंद और खेल दिया है जबरदस्त ड्राइव, दूसरी गेंद और इसी के साथ बेहतरीन कवर्स की तरफ, और ये तीसरी गेंद, ओ माय, ओह ही हैज नॉक द कैमरा डाउन, ओ माय, और ये गेंद, और जी हाँ ये बीमर इसी के साथ सचिन का काम तमाम करते हुए शोएब अख्तर, ये आखिरी जंग इन्होंने बीमर से जीत ली। और क्रिकेट में जो सचिन और शोएब अख्तर बने थे ना, अकरम भाई और मैं, बस उसकी थकान यहाँ उतार रहे हैं, जस्ट चिलिंग, रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये ब्रेक तो बनता है। तो चलिए आप बाहर लिए चलते हैं, ये देखिए किड्स प्ले एरिया भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो इसके अलावा हाँ, वाई शुड किड्स हैव ऑल द फन, हमारे रफ़ी भाई भी कम थोड़ी हैं, दिल तो बच्चा है जी, जी हाँ। और देखिए दरवाज़ा खुल गया जन्नत का, ये देखें, बीच की हसीन शाम और साथ में बोनफायर और ये तेज हवाएं, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, ये सब का तालमेल बेसिकली बहुत ही सुहावना बनाता है दृश्य को। तो इस हसीन शाम को जीने के लिए आपको 1150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे सी ब्रीज में, जहां आपको ये टेबल चेयर और बोनफायर का सेटअप लगा के देते हैं, और उसके बाद आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी स्पेंट एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आग लगा दिया हमने आज यहाँ पर लिटरली। Time for some delicious starters for now. और वेज नॉन वेज दोनों हम लोगों ने मंगाया है, ये सी फूड यहाँ की बेहतरीन, होलो फिश, बहुत सारी चीज़ें आप अपने फूड प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। और बस अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, तो अभी भूख लगने के लिए हम स्टार्टर खा रहे हैं, और बस घंटों यहाँ बैठने का इरादा है, तो बस आप भी हमारे साथ बने रहें, घंटों ना सही चंद मिनट, चंद मिनट में घंटों का मजा आपके लिए लेके आए हैं। चलिए अब खाते हैं। टाइम वी ईट नाउ। ओहो आप ये देखिए आतिशबाजी, ओ माय गॉड आतिशबाजी, और ये हवाएं, ये बोनफायर, ये बीच, और ये बेहतरीन पलटन, और क्या चाहिए, ये अनबिलीवेबल है, ये माहौल आपको चाहिए तो बस हमारे साथ आना पड़ेगा। एक फिएस्टा, एक कार्निवल सा बन गया है यहाँ पर। होप यू आर एंजॉयिंग एज मच एज वी आर। तो गाइस होपफुली आपने बहुत एंजॉय करी हमारे साथ, हम फैंटास्टिक फाइव के साथ बहुत सारे नज़ारे, नदी, नाले, समंदर, बोटिंग, पता नहीं क्या क्या आपने एंजॉय करी। तो होपफुली ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही धमाकेदार रही, इनफैक्ट दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस यू हैव वॉच्ड हियर इन पेडल पल्टन।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और होपफुली आपको बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ब्लॉग्स आपको मिलती रहे। तो एक बार फिर थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।